हे गाइस, तो मैं हूँ आपका दोस्त अथर्व और आपका स्वागत है द वंडरलैंड में। तो आज हम जाने वाले हैं अंजनवेल गांव में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अभी गुहागर विजापुर हाईवे से गुजर रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं और बारिश का मौसम होने की वजह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो अभी हम पालपेने इस गांव में हैं। तो चलिए हरियाली का मजा लेते हुए अंजनवेल गांव की तरफ बढ़ते हैं। एनरॉन पावर प्रोजेक्ट से भी अंजनवेल गांव जाना जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखने के लिए एक मंदिर है और यहाँ एक पीछे लाइट हाउस भी है। तो चलिए लाइट हाउस देखने के लिए चलते हैं। इस लाइट हाउस का नाम है तोलकेश्वर। ठीक है, तो अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैं बहुत बार आ चुका हूँ, इसे हम अंदर से भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए टिकट रहता है और टिकट भी सिर्फ 20-30 रुपये ही है। अभी अभी यहाँ के लाइट हाउस कीपर से हमारी बात हुई कि कोरोना की वजह से हमें लाइट हाउस अंदर से देखने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन हम लाइट हाउस बाहर से देख सकते हैं। अगर आपको लाइट हाउस अंदर से देखने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर देखें। चलिए आगे हम शिव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ लाइट हाउस के पास ही तारकेश्वर नामक शिव जी का मंदिर है। चलिए हम मंदिर में चलते हैं। यह मंदिर अंदर से बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत शांति है। तो चलिए हम तारकेश्वर जी के दर्शन कर लेते हैं। अरे यार, बारिश शुरू हो गई। अभी बारिश रुकने तक हमें मंदिर में ही रुकना होगा। अरे वाह, बारिश तो रुक गई है। चलिए हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लाइट हाउस के पास ही एक सनसेट पॉइंट भी है। तो चलिए सनसेट पॉइंट देखने के लिए चलते हैं। मंदिर के ठीक सामने वाले रास्ते से सनसेट पॉइंट के लिए जाने का रास्ता है। सनसेट पॉइंट के लिए हमें इसी रास्ते से नीचे जाना है।
ये देखो कितना माइंड ब्लोइंग नज़ारा है, मुझे तो यही ठहरने का मन है, लेकिन हमारे पास समय कम है और बारिश आने की भी संभावना मुझे लग रही है, तो चलिए हम सनसेट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ से सनसेट पॉइंट थोड़ी ही दूर है, तो हम चलते चलते सनसेट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। सनसेट पॉइंट आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यहाँ से हमें लाइट हाउस और मंदिर भी नज़र आता है, तो चलिए हम थोड़ी देर इस नज़ारे का आनंद लेते हुए यहाँ पर बैठते हैं। पिछली बार हम यहाँ पर गर्मियों के दिनों में आए थे, लेकिन अभी उससे ये जगह कई गुना खूबसूरत दिखाई दे रही है। आगे विशाल समुद्र और हरे भरे पहाड़ों का नज़ारा हमारे दिल को छू जाता है। ये देखो क्या नज़ारा है। मुझे लगता है ये काले बादल हमें भिगोकर ही छोड़ेंगे। तो फाइनली हम सब लोग बारिश में पूरी तरह से भीग चुके हैं और मैं ये व्लॉग यहाँ पर ही एंड करता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।